नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉप 10 सेडान कार्स जिन्होंने आंकड़ा क्या है, उनका प्लस का है, माइनस का है। अब दोस्तों, ये जो आंकड़ा है 50-50 रहा, यानी कि पांच कारें ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव ग्रोथ लेके चली हैं, पांच कारें ऐसी हैं जो कि डी ग्रोथ यानी कि गिरावट लेके चली हैं। कारण भी साथ में जानते चलेंगे क्या कारण है उनके। सबसे पहले ऊपर, यानी कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने यही बोला था कि मारुति सुजुकी का वर्चस्व रहता है हमेशा, तो सेडान्स के अंदर डिज़ायर सबसे ऊपर रही, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार ये रही। कारण वही है इसका भी जो मारुति सुजुकी की स्विफ्ट का है, कि इसके अंदर भी इंजन्स के बदलाव और फेसलिफ्ट दे दिए गए, जिसके कारण इसकी सेल फिगर में फ़र्क पड़ा। 11,901 कारें 2021 फरवरी में बिकी हैं ये, वहीं पे 7296 कारें बिकी थी 2020 में। 63% की इसको पॉजिटिव यानी कि ग्रोथ मिली है जिसकी इसकी सेल फिगर्स के अंदर, और इसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन ही आता है, डीजल इंजन बंद कर दिया गया है। अभी आने वाले दिनों में कुछ आ जाए तो अलग बात है। आगे बात करें तो होंडा की अमेज, जो कि अपनी स्पेस के कारण और अपने पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, पंची इंजन के कारण जानी जाती है, इसके पेट्रोल डीजल दोनों इंजन को मिला के जो सेल बनती है वो है 4939, यानी कि आधे से भी कम है सबसे पहले वाली गाड़ी से। उसकी 11,000 प्लस जा रही है, इसकी 5,000 से कम जा रही है, यानी कि 60-70% की सेल का फ़र्क है इनके अंदर, पेट्रोल डीजल दोनों इंजन मिलाने के बावजूद भी। इतना क्रेज़ अभी भी मारुति सुजुकी का इंडिया के अंदर है। तो पिछले साल की बात करें तो 5814 कार्स बिकी थी, जो कि 15% की सेल डाउन आई है, 15% सेल में गिरावट आई है इसकी। कारण वही है डिज़ायर की प्लस होने का सबसे बड़ा, कि इसके अंदर टाइमली दो तरह के इंजन्स की बदलाव किया गया, जो कि डुअल जेट का इंजन भी इसके अंदर डाल दिया गया और फीचर्स में थोड़ा सा फ़र्क भी डाल दिया गया है। अमेज के अंदर कोई खास इतना बड़ा अपडेट अभी नहीं आया, हालांकि अपडेट बहुत बड़ा था जो पहले किया उन्होंने, लेकिन कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने, तो धीरे धीरे करके सेल डाउन आने लगी है इनकी। अब बात करें अगली, तो हुंडई की एक्सेंट और ओरा दोनों की सेल को अगर मिला के चलें तो वो सेल है 4300 कारें वो बिकी हैं। अगर बात करें पिछले साल तो 4968 कारें बिकी थी वो, अब क्या बात करें तो 13.4% की सेल फिगर डाउन आई है, जो कि गिरावट है इसके लिए। अब ये बात समझी जानी चाहिए कि हुंडई की एक्सेंट और हुंडई की ओरा, ये दोनों कारें, दोनों पेट्रोल इंजन डीजल इंजन के साथ मिला के, यानी कि टोटल चार तरीके का अगर हम देखें वेरिएंट आ गए इनके पास, वो टोटल मिला के भी अमेज और डिज़ायर से ऊपर नहीं पहुंच पाए। तो इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा ये डाउन आना समझ आता है सिर्फ एक कारण से, कि एक तो ऐसा एक्सेंट पुरानी कार है। रही बात ओरा की, तो ओरा के अंदर कुछ इतने बढ़िया रोड प्रेजेंस भी नहीं लगी, कुछ इंप्रेसिव नहीं लगती बेसिकली, अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो रियर साइड से। अगली बात करें तो होंडा की सिटी, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ लेके हमारे सामने आई है, 2524 कारें बिकी हैं फरवरी 2021 में, 20 में 1256 केवल कारें बिकी थी, यानी कि तकरीबन डबल कारें बिकी हैं, जो कि है 101% की प्लस यानी कि पॉजिटिव फिगर लेके चलती है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसका फेसलिफ्ट आना, जिसके अंदर ना सिर्फ लंबाई चौड़ाई में फ़र्क डाला गया, उसके बाद फर्स्ट इन सेगमेंट कई सारे ऐसे फीचर डाले गए जो कि काबिल तारीफ थे इसके लिए। अगर बात करें इसके नीचे जो गाड़ी है हुंडई की वरना, पेट्रोल डीजल कार गाड़ी लेके ये भी कार आती है, इसके अंदर के फिगर्स हैं 2047, पिछले साल केवल 570 कारें बिकी थी। अब ग्रोथ की बात करें तो 259 यानी कि 259% की इसने ग्रोथ हासिल की। कारण इसका भी फेसलिफ्ट आना है और बहुत सारे नए फीचर इसके साथ जुड़ना भी इसका एक बहुत बड़ा साइन है। अगली बात करें तो टाटा के टिगोर की 1939 कारें बिकी हैं इस बार, पिछली बार कारें दोस्तों 782 कारें बिकी थी, 148% की ग्रोथ लेके भी हमारे सामने आई है। सबसे छोटी, सबसे बजट में आने वाली कॉम्पैक्ट सेडान कार है ये टाटा की टिगोर, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल कार के इस मामले हमारे सामने आती है कार ये। अगली बात करें तो मारुति सुजुकी की सियाज, जो कि लंबी बड़ी स्पेस के कारण जाने वाली कार वो है, काफ़ी नीचे आ चुकी है। उसका कारण यही है कि बाकी जो इसके दो राइवल इसके सेगमेंट के हैं वो पेट्रोल डीजल दोनों कारों में आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल कार ही है, पेट्रोल वाला इंजन ही इसके अंदर आता है 1.5 लीटर वाला। बात करें फिगर्स की तो 1510 कारें बिकी हैं 2021 फरवरी में, 2544 कारें बिकी थे पिछले साल 2020 फरवरी में। टोयोटा की यारिस, जो कि सिर्फ सिर्फ पेट्रोल गाड़ी है और 7 एयर बैग्स फर्स्ट बेस वेरिएंट से ही लेके चलती है, और बेस वेरिएंट से इसमें सीवीटी ट्रांसमिशन की सुविधा भी हमें सामने आती है। 657 कारें बिकी हैं इस साल,
पिछले साल 542 बिकी थी, जो कि 21.2% की अच्छी पॉजिटिव साइन लेके आ रहा है। गाड़ी अच्छी है लेकिन कॉम्पैक्ट लगती है होंडा सिटी और वरना के सामने खड़ी कर दे तो ये गाड़ी लगती नहीं कि इतनी बड़ी कार है। ये थोड़ा डिज़ाइन करके ये गाड़ी थोड़ा सा मार खाती है। स्कॉडा की रैपिड की अगर बात करूँ तो आगे 614 कारें बिकी हैं दोस्तों फरवरी 2021 में, वहीं पे 680 कारें बिकी थी पिछले साल। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 9.7% की सेल डाउन आई है इसकी। कारण वही है दोस्तों, इसमें पुराने ढर्रे की चलती हुई कार थी, ये पुराना इंजन इसके अंदर यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के फीचर्स, एक पैक बहुत सुंदर, वो हमारे सामने एक अट्रैक्शन का कारण है। बट इसकी जो सर्विस की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए गाड़ी की सेल भी कम आती है। अगली बात करें फोर्ड की एस्पायर की, जो कि हमारे सामने पेट्रोल डीजल दोनों कारें लेके आती है। इसमें सीएनजी भी लॉन्च किया गया लेकिन वो हटा दिया गया। अब इसके एक फिगर फरवरी 2021 में थी, जो वो थी 399.20 के अंदर, ये फिगर थी 744, यानी कि -46.3% की फिगर का सामना करना पड़ा। डी ग्रोथ के अंदर 46.3% की सेल डाउन आई है इस गाड़ी की। तो दोस्तों इस गाड़ी की जो सेल का डाउन आना, वो भी सबसे बड़ा कारण फोर्ड की एक वही प्रॉब्लम सबसे बड़ी रही है कि टाइमली चेंजिंग नहीं करते चीज़ों में। इसके अंदर भी इन्होंने फीचर्स उठा डाल दिए, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो डाल दिया लेकिन जो कॉस्मेटिक अपडेट्स थे वो नहीं दिए गए जा रहे। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो है, LED DRLs, प्रोजेक्टेड हेड रैम्स जैसी सुविधाएँ इसके अंदर नहीं दिए गए, और पीछे की जो स्पेस है, जो पीछे बैठने वाली जगह है, वहाँ पर हमें कहीं भी बॉटल होल्डर्स, मैगजीन होल्डर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। तो इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, डिज़ाइन चेंज करना चाहिए, तब इसकी थोड़ी सी ग्रोथ भी मिल पाएगी। बताइएगा दोस्तों ये आंकड़े आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट में बात कीजिए कि कोई और आपको जानकारी आपके पास है तो शेयर कीजिए। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।